प्रेशर एग्जर्टेड बाय ईएम वेव। अगला क्वेश्चन आएगा, क्या ईएम वेव मोमेंटम कैरी करता है? करता है। क्या ईएम वेव एनर्जी ट्रांसफर करती है? करती है। क्या ईएम वेव किसी सरफेस पे गिरती है तो क्या उस पर प्रेशर लगता है? लगता है। तो ईएम वेव जो प्रेशर लगाता है किसी सरफेस पे गिरने के बाद, उस प्रेशर को रेडिएंट प्रेशर बोलते हैं। तो रेडिएंट प्रेशर का मतलब है कि इंटेंसिटी अपॉन सी, ये सब फॉर्मूला है। तो रेडिएंट प्रेशर का फॉर्मूला भी नोट कर सकते हैं, इंटेंसिटी को सी से डिवाइड कर ले तो रेडिएंट प्रेशर आएगा। इसका प्रूफ भी इसमें कर रखा है, दो लाइन का प्रूफ है। पी फॉर मोमेंटम है, अगर एक सरफेस के ऊपर एनर्जी गिरेगी तो मोमेंटम इसके इक्वल है। प्रेशर क्या होगा? फोर्स बाय एरिया। फोर्स क्या होता है? डी पी बाई टी टी। पी क्या है? यू बाई सी। तो पी की जगह क्या पुट कर दिया? यू बाई सी। डी यू बाई डी टी न्यूमिनेटर में, एरिया और सी डिनोमिनेटर में। तो ये क्या चीज़ है? एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, यानी कि इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बाई सी का मतलब है रेडियंट प्रेशर। इंटेंसिटी की फॉर्म में ये प्रूफ है इसका।